नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। राज्यसभा चुनावों से ठीक पहले नाराज हुए कांग्रेस निर्दलीय व समर्थक विधायकों को भले ही मना लिया हो, सीएम अशोक गहलोत ने भले ही सबको बाड़ेबंदी तक पहुंचा दिया हो, पर इन्हें साधने के लिए सरकार एक और मंत्रिमंडल विस्तार करने जा रही है। नाराज विधायकों की सीएम और उनके नजदीकी लोगों से बातचीत में इसके स्पष्ट संकेत मिले हैं। दरअसल राज्यसभा चुनावों की बाड़ाबंदी के पहले दिन आधे विधायक उदयपुर पहुंचे थे। बसपा से कांग्रेस में शामिल होने वाले 6 विधायकों में से जोगिंदर अवाना, दीपचंद खैरैया को छोड़ बाकी 4 विधायक बाड़ेबंदी में नहीं गए। सरकार के खिलाफ बयानबाजी भी की थी। इसके बाद कांग्रेस के ही गिरिराज मलिंगा भी इसी ग्रुप G5 में शामिल हो गए। हालांकि 5 जून को सीएम से मिलने के बाद ये सभी मान गए और उदयपुर पहुंच गए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही था कि गहलोत ने ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमा दी। इसी बीच G5 के विधायकों के साथ होटल में मंगलवार को सीएम के अलावा राज्यसभा प्रत्याशी मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी की बैठक हुई थी। इसमें उन्हें आश्वासन दिया गया कि जल्द ही आपके लिए अच्छी खबर आएगी। बता दें कि गहलोत ने 30 नवंबर 2021 को भी कहा था कि हाईकमान का इशारा हुआ तो 6-8 महीने में फिर मंत्रिमंडल फेरबदल हो सकता है। गहलोत सरकार के पिछले कार्यकाल में कांग्रेस को 96 सीटें मिली थी। तब बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक राजेंद्र गुड्डा, गिरिराज मलिंगा, राजकुमार शर्मा, मुरारी मीणा, रमेश मीणा और रामकेश मीणा के साथ कांग्रेस में विलय कर गए। इनमें से 3 को राजमंत्री और 3 को संसदीय सचिव बनाया गया। बाद में विधानसभा चुनाव में राजकुमार को छोड़ सभी को कांग्रेस का टिकट मिला। हालांकि 2018 में इनमें से कई बसपा के टिकट पर जीतकर 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। इस बार भी इन विधायकों को यही उम्मीद थी, लेकिन सिर्फ गुड्डा और राजमंत्री बनाया गया लाखन मीणा, दीपचंद खैरैया और जोगिंदर अवाना को बोर्ड आयोग में नियुक्ति मिली। वाजिब अली ने मना कर दिया और साथ ही संदीप यादव को कुछ नहीं लिखा। नाराजगी ये भी थी कि जो विधायक सरकार गिराने के लिए दिल्ली गए उनमें से 5 को मंत्री बनाया, लेकिन 13 निर्दलीय और बसपा से कांग्रेस में विलय करने वाले 6 विधायकों ने सरकार बचाई, उनमें से सिर्फ 1 ही मंत्री बनाया गया। आगे बता दें जली की राजेंद्र गुड्डा, लाखन मीणा, वाजिब अली, संदीप यादव, गिरिराज मलिंगा एक तरफ बैठे थे, दूसरी तरफ सीएम अशोक गहलोत और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़। 1 घंटे चली वार्ता में गाने, गिले शिकवे और यादों का दौर भी चला। 6 विधायकों ने मोबाइल फोन निकाले और सीएम से कहा, बातचीत बाद में करें, पहले ये गाना सुनिए। गाना बजा कि गैरों पर करम अपनों पर सितम, एक जाने वफा ये जुल्म ना कर। गाना बंद हुआ तो सीएम हंस दिए। विधायक बोले कि हम आपके खिलाफ नहीं है, हम जानते हैं कि राज्यसभा में एक सीट हार भी गए तब भी सरकार तो रहेगी ही। उदयपुर में बाड़ाबंदी के दौरान होटल में सीएम और अन्य विधायकों ने मैजिक शो देखा। राज्यसभा के नंबर गेम के बीच बाड़ाबंदी वाले ताज होटल में आर्टिस्ट आंचल ने सीएम से नंबर जानना चाहा तो सीएम ने मुस्कुराकर सवाल टाल दिया। वहीं पर आगे बताते चले कि इसी तरीके से उन्होंने अपने विधायकों को मनाया, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि इससे सचिन पायलट को एक बड़ा झटका लगा है। लोगों को उम्मीद यहाँ पे बन गई है अशोक गहलोत के समर्थकों की कि इस बार फिर से अशोक गहलोत बहुत अच्छी पद पा सकेंगे। लेकिन आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।